डेवलपमेंट के नाम पर लड़ रहे हैं, विकास और विरासत के नाम पर। तुष्टीकरण के खिलाफ ये चुनाव है। पूरी ताकत से कांग्रेस आरजेडी वोट बैंक की पॉलिटिक्स करना चाहती है और हम इकट्ठे एकजुट होकर उसको नकार देना चाहते हैं। आपको संबोधित करने का मौका मिला है। मैं यहाँ झारखंड में गोड्डा में प्रचार करके लौट रहा हूँ। कल पाटलिपुत्र और पटना साहब में प्रचार करूँगा। तुम फोटो ले लिए थे, इधर आ जाओ, यहाँ कोना छोड़ दो। और इस बार के चुनाव में एक बात साफ हो गई है कि आने वाले हैं मोदी, जीतेंगे मोदी, प्रधानमंत्री बनेंगे मोदी। अब की बार 400 के पार जाएगी बीजेपी, एनडीए, और हम लोग हैट्रिक मारेंगे मोदी जी के नेतृत्व में और सरकार हमारी बनेगी। पिछले चुनाव में बहुत से दल जीरो हो गए थे, जो बड़े बड़े दल कहलाते थे, बड़े बड़े 30 मार खाते। इस बार एनडीए अलायंस के कई दल जीरो पे आउट हो जाएंगे। राजद के नेता बड़ी लंबी चौड़ी बात करते हैं, पिछले चुनाव में वो थे जीरो, इस बार भी रह जाएंगे जीरो। राजद की जिद है जीरो से एक होने की, हमारी भी जिद है एक सीट बढ़ाने की, 39 से 40 होने की। दोनों तरफ लड़ाई एक जैसी है। वो जीरो से खाता खोलना चाहते हैं, हम 39 से 40 होना चाहते हैं। बिहार झारखंड की सारी सीट जीतेंगे। मैं गोड्डा में प्रचार करके आया हूँ, वहाँ से दुबे जी, निष्कांत जी, मेरे मित्र अच्छे वोट से जीतेंगे। झारखंड की भी सारी की सारी 14 की 14 सीट हम लोग जीतने वाले हैं। पिछली बार झारखंड और बिहार के मतदाता के मन में ये मलाल था कि हम 100% सीट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नहीं दे पाए। इस बार वो मलाल नहीं रहेगा, हम लोग 100% सीट नरेंद्र मोदी के झोली में डालेंगे। ये चुनाव डेवलपमेंट के नाम पर लड़ रहे हैं, विकास और विरासत के नाम पर। तुष्टीकरण के खिलाफ ये चुनाव है। पूरी ताकत से कांग्रेस आरजेडी वोट बैंक की पॉलिटिक्स करना चाहती है और हम इकट्ठे एकजुट होकर उसको नकार देना चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी धर्म के नाम पर आरक्षण के विरोध में है। जिस तरह हमारे पास जिस दिन ताकत आएगी, कर्नाटक, आंध्र, तेलंगाना में जो 4% मुस्लिम आरक्षण है उसको समाप्त कर दिया जाएगा, क्योंकि 27% में तो सब रह सकते हैं, लेकिन कोटा विद इन कोटा के पक्ष में भारतीय जनता पार्टी नहीं। ममता जी ने भी पिछड़ों का आरक्षण हड़पने के लिए सारी मुस्लिम जातियों को पिछड़े में शामिल कर दिया था। हम उसको भी हाई कोर्ट के फैसले का स्वागत करते। हम लोग सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास वाले लोग, लेकिन तुष्टीकरण किसी का नहीं, यही प्रधानमंत्री जी ने कहा है। ऐसे जो EWS में हम लोगों ने आरक्षण दिया, बिहार के अंदर 14% हिंदू मुस्लिम मिला के उच्च जाति के लोग हैं, स्वर्ण जाति के, उनको 10% आरक्षण है। उसमें जो गरीब लोग हैं तो करीब करीब उनकी सारी जातियों का 100% ही जैसा आरक्षण। जिन लोगों के पास ज़मीन ज़्यादा है, सरकारी नौकरी में है, उनको छोड़कर सबको आरक्षण है। तो जहाँ राजपूत, ब्राह्मण, भूमिहार कास्ट को आरक्षण है, वहाँ शेख सैयद, पठान को भी आरक्षण मोदी जी ने दिए। लेकिन
उसमें भी कोई कहेगा कि इसमें मुस्लिम स्वर्ण को अलग से कोटा बना दीजिए तो हम लोग उसका विरोध करेंगे। बिहार में और देश में हमने घूम घूम कर सभा की है, जहाँ मैं ये बुलाया गया है वहाँ मैं गया हूँ। मैं आंध्र प्रदेश भी गया था, कश्मीर भी गया था, जम्मू के डोडा किश्तवाड़ भी गया, हरिद्वार भी गया, रुड़की भी गया, बिहार की दो चार पांच सीट होगी जिस पे मैं नहीं गया हूँ, सब सीटों पर प्रचार किया है। कल भी इंशाल्लाह पटना में एक दिन का प्रचार करूँगा और प्रचार अभियान समाप्त होगा। मैं जब भागलपुर लौटा हूँ